हमारी अपनी पाठशाला में बीपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग के क्रम में आज जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन है मौर्यकालीन कला। क्योंकि आप जानते हो कि हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कला एंड संस्कृति से क्वेश्चन आता है, जिसमें तीन तरह के क्वेश्चन हमेशा दिखते हैं। एक मौर्यकालीन दिखता है, दूसरा जो है वो दिखता है पटना कलम, और तीसरा जो है वो दिखता है पाल कला। तो तीनों में से कोई एक क्वेश्चन जनरली बीपीएससी के मेंस के हिस्ट्री वाले सेक्शन में आपको दिखते हैं, ठीक है। तो मौर्यकालीन कला को अगर देखें हम, तो ये क्वेश्चन 64वीं बीपीएससी में आया था। मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ इसके संबंधों पर भी प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर मौर्य कला के साथ साथ यहाँ पे एड ऑन जो किया गया वो किया गया बौद्ध धर्म के साथ इसके क्या संबंध थे। वैसे ही 60 से 62वीं के बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मौर्य कला पर प्रकाश डालिए और बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो मौर्य कला जो कॉमन है कि हमको इसकी विशेषताओं को बताना है, साथ में एक एड ऑन हो रहा है यहाँ पे बौद्ध धर्म के साथ इसका रिलेशनशिप दिखाना है, और 60 से 62वीं में बिहार को लेके कि बिहार में इसके क्या प्रभाव पड़े इसको लेके। तो जब मेंस के आंसर को आप लिखते हैं तो क्वेश्चन को गौर से पढ़ें, ऐसा नहीं कि मौर्य कला को आपने देखा बस लिखना शुरू कर दिया, 15 पन्ना 20 पन्ना भर दिया, वो वैसे नंबर नहीं मिलता। क्वेश्चन का डिमांड क्या है ये देखिए, क्वेश्चन डिमांड कर रहा है इसमें बौद्ध धर्म के साथ रिलेशनशिप को आपको अपने पेपर में दिखाना है, यहाँ पे उसको बिहार में उसके क्या प्रभाव थे उसको दिखाना है। वैसे ही देखेगा 53वीं से 55वीं, तो यहाँ सिंपल क्वेश्चन था कि मौर्य कला के प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए। और अगर उसके पहले की बात करें तो मौर्य कला एवं स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण करें। तो यहां देखो 53 से 55 तक यहां तक क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन सिंपल रहता था, ठीक है, एकदम सीधा सा क्वेश्चन था कि विशेषता बताइए। बट उसके बाद जब भी ये क्वेश्चन आया तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एड ऑन किया गया। मान लो कि यहाँ पे बौद्ध धर्म दे दिया, इस बार अगर पूछेगा तो ये पूछ दिया जाएगा कि इसका आलोचना करें या इसको क्रिटिसाइज करें। आप कैसे क्रिटिसाइज करेंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मौर्य केमेनियन साम्राज्य से मिलता है तो बोलेगा कि आप वहां पर उसका तुलना करें उसके साथ। तो क्वेश्चन का डिमांड क्या है ये देखना है तथा मौर्य कला में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होता है वो जानना है। तो आइए हम देखते हैं, अब इसका अगर आंसर लिखने की कोशिश करें तो हम लोग आंसर कैसे लिखते हैं। द्वारा आंसर का मौर्य कला से संबंधित आंसर का एक ढांचा बनाया हुआ है, आप लोग इस ढांचे को बढ़िया से समझें, इसे दिमाग में बिठा लें, नोट डाउन कर लें। ये आपको एक ढांचा दे दिया गया है, अब इस पर अगर ये ढांचा आपको पता है इसके विषय में आपको जानकारी है तो आप क्वेश्चन को कैसे भी वो घुमाए, वो बौद्ध धर्म से रिलेशन पूछे या वो बिहार की भूमिका पूछे या इसका आलोचना करने के लिए बोले या इसकी तुलना करने के लिए बोले, आप सारे क्वेश्चन को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एक बढ़िया आंसर आप लिखें, लिखकर हम लोग के साथ हमारे फेसबुक पेज पर शेयर करें। तो मौर्य कला को अगर हम लोग समझना चाहें तो मौर्य कला के विषय में कहा जाता है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में, अगर हम परिचय की बात करते हैं तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के समय गंगा घाटी के पास बौद्ध धर्म, दो अलग अलग धर्म थे वहां पर, एक बौद्ध धर्म थे और जैन धर्म, इन दोनों धर्मों का उदय होता है और ये धर्म सामाजिक आंदोलन की शुरुआत, धार्मिक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत होती है और ये बहुत जल्दी लोकप्रिय हो जाते हैं। क्यों लोकप्रिय हो जाते हैं, इसका एक कारण है क्योंकि जो सनातन धर्म थी तो सनातन धर्म के बीच जो वर्ण और जाति की व्यवस्था थी, वर्णात्मक व्यवस्था जो थी और जाति की जो व्यवस्था थी, इसके कारण लोगों में थोड़ा आक्रोश था और ये धर्म इस जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध बात करते थे, जिस कारण से बौद्ध और जैन धर्म बहुत तेजी से इसका प्रचार प्रसार हुआ और ये लोगों में लोकप्रिय हो गए। उसी समय 3री शताब्दी के समय में मौर्य साम्राज्य स्थापित होता है और मौर्य साम्राज्य में अशोक, सम्राट अशोक जो होते हैं वो उस समय के सबसे लोकप्रिय, सबसे पावरफुल एक सम्राट होते हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, जहां पर बौद्ध धर्म को इन्होंने संरक्षण दिया और इस संरक्षण देने के क्रम में बौद्ध धर्म के जो
थे, लोग थे, उनको संरक्षण देने के क्रम में जगह जगह उनके द्वारा मठों का निर्माण किया गया, विहार का निर्माण किया गया। और इसी निर्माण में जिस कला का प्रयोग हुआ, जो कला वहां पर यूज हुई, दैट आर्ट एंड कल्चर इज नॉन एज मौर्य कला। ठीक है, तो मौर्य कला होता क्या है क्या? ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से रिलेटेड जो मठ बन रहे थे, उसमें स्तूप बनते थे, उसमें स्तंभ बनाए जाते थे, गुफाओं को बनाया जाता था पहाड़ को काटकर, तो इन सब का जो वहां पर आर्ट एंड कल्चर प्रस्तुत किया गया, दैट इज नॉन एज मौर्य कला। तो ये हम लोग सिंपल सा एक परिचय लिख सकते हैं। अब अगर मौर्य कला की विशेषताओं, चूंकि आपका क्वेश्चन रहता है कि विशेषताओं का वर्णन करें, तो मौर्य कला की अगर विशेषताओं के वर्णन करने की शुरुआत करेंगे, तो मौर्य कला को देखोगे आप तो ये दो पार्ट में बंटता है। एक होता है राजकीय कला, ठीक है, और दूसरा बनता है इसका लोक कला। राजकीय कला को तीन पार्ट में हम बांट सकते हैं। पहला बांटेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य कालीन। दूसरा बांटेंगे अशोक के समय में, अशोक कालीन। और तीसरा बांटेंगे दशरथ के समय में, राजा दशरथ जो थे अशोक के जो पोता थे उनके समय का। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो निर्माण हुआ वो हुआ राजप्रसाद का निर्माण। यही सर निर्माण आपको कलाकृति को, आर्ट एंड कल्चर को शो करता है। तो राजप्रसाद जो पैलेसेज बनाए गए उसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ। अशोक के समय में चार अलग अलग टाइप दिखेंगे। एक दिखेगा स्तंभ पिलर्स, दूसरा दिखेगा स्तूप, तीसरा दिखेगा वेदिका, चौथा दिखेगा गुहा विहार। और दशरथ के कालीन में अगर बात करें तो वहां पर नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण होता है। तो तीन अलग अलग काल से राजकीय कला को आप बांट सकते हो। लोक कला में अगर बात करें तो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति जो दर्शाती थी कि उस समय के लोग जो थे वो यक्षों की पूजा करते थे, ठीक है, तो ये आपको वो दर्शाता है। मृद भांड की मूर्तियां और अन्य मूर्तियां, ये लोक कला में आप इसको बांट सकते हो। अब बात करेंगे एक एक करके सबके बारे में। राजप्रसाद की अगर बात करें तो राजप्रसाद का निर्माण कहां पर किसके द्वारा किया गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और कहां पे ये मिलते हैं आपको आज के डेट में, तो ये आपको दिखाई देते हैं पाटलिपुत्र स्थित यानी पटना में कुम्हरार में। ये आपने जानकारी दे दी राजप्रसाद के बारे में। विशेषता क्या थी राजप्रसाद की, तो राजप्रसाद की जो पैलेसेज थे तो उसकी विशेषता, पहले विशेषता विशाल भवन हुआ करते थे, लकड़ी के बने होते थे, 84 फुट पाषाण के स्तंभ थे, 140 फुट लंबा था, 120 फुट चौड़ा था। ये इसकी विशेषताओं को आप दिखा सकते हैं। चर्चा इसकी कहां कहां किया गया, तो अर्थशास्त्री कौटिल के द्वारा इसकी चर्चा की गई है, मेगास्थनीज के इंडिका में इसकी चर्चा की गई है, फाहियान के द्वारा कहा गया है, देवों के द्वारा निर्मित ये भवन थे। इस प्रकार से आप राजप्रसाद का आप चर्चा कर सकते हो और उसकी विशेषताओं को बता सकते हो। अब आते हैं अशोक के समय में। अशोक के समय में स्तंभ का निर्माण हुआ था। स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा सबसे पहले हुआ ये बता दीजिए आप। आपका आंसर राइटिंग में लिखा जाएगा अशोक के द्वारा हुआ। क्यों किया गया, धम्म के प्रचार के कारण, प्रचार के लिए। तो निर्माण किसके द्वारा किया गया और क्यों किया गया, दोनों आपने वहां पर बता दिया। उसके बाद आते हैं इसकी विशेषताओं पर। विशेषता क्या क्या थी, एकात्मक, ये एकात्मक टाइप की थी, मतलब एक पहाड़ को, एक पत्थर को काटकर इसे बनाया गया, सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही थी। दूसरा ये लंबा और सुडौल था, चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित था, चमकदार पॉलिश था, नीचे से ऊपर क्रमशः पतले होते चले गए, मतलब ये टाइप का फिगर था उसका, इस टाइप का फिगर था, और खुले आकाश के नीचे थे ये, लंबाई 30 से 50 फीट थी। ये आप विशेषताओं को, स्तंभ की विशेषताओं को आप यहाँ पर वर्णन कर सकते हैं। उदाहरण कहाँ कहाँ दिखते हैं, लौरिया नंदनगर में, लौरिया अरेराज में, रामपुरवा में, इलाहाबाद में, सारनाथ में, यहाँ यहाँ आप देख सकते हैं। चाहे तो आप वहाँ पर फिगर भी एक बना सकते हैं। ये स्तंभ के फिगर है जो सबसे टॉप पर है, वहाँ पर एक पशु की आकृति बनी होती है, इसको कहा जाता है चौकी, जिसके ऊपर ये पशु की आकृति रखी होती है, दैट इज कॉल्ड चौकी। यहाँ पर एक उल्टा कमल बना हुआ रहता है, उसके ऊपर मेखला है और नीचे में तना है। ये आपका स्तंभ को एक्सप्लेन कर सकते हैं आप इतने पॉइंट्स के द्वारा। दूसरा आता है स्तूप। स्तूप महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के को दिखाता है। ये स्तूप प्रायः ईटा, अगर विशेषता की बात करें तो ईट और प्लास्टर के बने ठोस गुंबद होते हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, जो बिहार में आपको वैशाली और गया में दिखते हैं स्तूप।
ठीक है, स्तूप का एक फिगर दिखा सकते हो, एक अर्धकार अर्धवृत्ताकार गुंबद होता है, इसको कहा जाता है तोरण द्वार, ये होती है वेदिका। तो इस प्रकार से आप स्तूत की विशेषताओं को भी वर्णन कर सकते हैं। फिर आता है वेदिका, मौर्यकालीन वेदिका और जो है बिहार वेदिकाओं से घिरे होते थे। मतलब क्या होता था कि जो विहार होता था, ये बिहार नहीं विहार है, विहार जो होते थे वो वेदिकाओं से घिरे होते थे। जो आपको दिखते कहाँ कहाँ है, बोधगया में और सारनाथ में, पाटलिपुत्र में तीन वेदिकाओं के टुकड़े मिले थे। अपनी चमकीली पॉलिश के कारण मौर्यकालीन माने जाते हैं, ठीक है। फिर आता है गुहा विहार। गुहा विहार क्या था, एक्चुअल में चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई जाती थी, वही लिखा गया है कि चट्टानों को काटकर बनाई गई पाषाणी गुफाएं। निर्माण अशोक के द्वारा भी किया गया और उसके पोते दशरथ के द्वारा भी किया गया। क्यों किया गया था, बौद्ध आजीविकाओं के रहने के लिए, जो बौद्ध के भिक्षु थे जिनको आजीविका कहा जाता था, उनके रहने के लिए। कहाँ कहाँ आपको दिखेगा, तो गया में तीन गुफाएं नागार्जुन पर्वत पर, चार गुफाएं बराबर के पहाड़ियों पर, सुदामा गुफा सबसे पुरानी गुफा थी, कर्ण चौपर गुफा, लोमेश ऋषि का गुफा। इस प्रकार से आप उसके विशेषताओं को बताते चले गए। लोक कला, लोक कला में अगर हम बात करें तो पटना के दीदारगंज में यक्ष यक्षिणी की मूर्ति पाई गई थी। लोहानीपुर पटना से प्राप्त दो नग्न पुरुषों की मूर्ति पाई गई, जिसका निर्माण जैन शैली में मुद्रा में हुआ था, और कुम्हरार से विभिन्न पशु पक्षी तथा नर नारियों की मृद मूर्तियां मिली थी। ये आपको लोक कला की उपस्थिति आपको पटना के आसपास ही मैक्सिमम ये दिखती है, जहां पर ये सब चीजें दिखी। मूर्ति कला में अगर बात करें तो ये पाषाण मतलब पत्थर के, धातु के और मिट्टी के बने होते थे। मतलब यहाँ पर पत्थर भी यूज हुआ, धातु भी, मेटल भी यूज किया गया और मिट्टी भी यूज किया गया था। पाषाण निर्मित मूर्तियां चट्टानों को काटकर बनाई गई थी। स्तंभ के ऊपर स्वतंत्र तथा खुदाई किया हुआ था और स्वतंत्र रूप से मूर्ति, तीन प्रकार से आपको दिख रहा था। एक तो मान लो कहीं पहाड़ है तो उसी को काट के वहां मूर्ति बना दिया गया। दूसरा, स्तंभ जो बना रहे थे हम एक टाइप एक पत्थर से, उसी के ऊपर हम खुदाई कर दिए। और तीसरा, हम केवल मूर्तियों का निर्माण किए पत्थरों के द्वारा। मिट्टी से बनी मूर्तियों को लोक कला में दिखाया, मतलब मिट्टी से जो मूर्तियां हैं उसमें आपको लोक कला दिखाई पड़ती है, ठीक है। मौर्य कला में मूर्तियों का निर्माण चिपकला विधि से किया गया, या सांचे में ढालकर। ये आपकी विशेषता है कि सांचे में ढालने का प्रस्तुर वहीं पर शुरू हुआ था। किसी देवता को प्रस्तर मूर्ति में नहीं ढाला गया। ओडिशा की धौली पाट चट्टानों को काटकर हाथी की आकृति बनाई गई। यानी मूर्ति कला की विशेषताओं को अगर वर्णन करने बोला जाए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन पर कि बौद्ध धर्म के साथ इसके संबंधों को बताइए। तो बौद्ध धर्म के साथ संबंध कैसे थे, अशोक द्वारा शामिल किए गए बौद्ध आदर्श, जो अशोक शामिल किए थे अपने, अशोक ने ऑलरेडी बौद्ध धर्म को अपनाया था और उनके द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण देने के लिए ही इतने सारे स्तंभ स्तूप बनाए गए। तो ये दर्शाता है कि बौद्ध के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध थे। उनके पुत्र, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध प्रचार के लिए अशोक ने भेजा था। और सारनाथ स्तंभ में चतुरसिंह के नीचे बुद्ध के जीवन से संबंधित चार पशुओं की आकृति उत्कीर्ण है। मतलब क्या है कि जो वहां पर सारनाथ के स्तंभ में चार पशुओं का जो आकृति है वो बौद्ध के जीवन से रिलेटेड थी, जिसको वहां दर्शाया गया। यह दर्शाता है कि बौद्ध धर्म से मौर्य कला को काफी रिलेशनशिप है। जैसे हाथी का था रिलेशनशिप बुद्ध के गर्भस्थ से, बैल का है जन्म से, अश्व का है गृह त्याग से, और सिंह का है सर्वभौमता से। तो इस प्रकार से इन पशुओं के द्वारा बौद्ध के मतलब बुद्ध महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी चीजों को दर्शाया गया। तो ये दर्शाता है कि मौर्यकालीन कला बुद्ध से रिलेटेड है। अब आते हैं, अगर इसका आलोचना की जाए तो कैसे करेंगे, या इसकी तुलना की जाए तो कैसे करेंगे। विपक्ष में बोला जाता है कि ये ईरानी कला की अनुकृति बताया गया है। जो कला समीक्षक थे सर जॉन मार्शल और पर्सी ब्राउन, इनके द्वारा कहा गया कि मौर्य कला जो है वो कहीं ना कहीं ईरानी कला से मिलता है, या कहीं ना कहीं ये दिखता है कि वो उससे इंस्पायर्ड है, ठीक है। अगर इसका पक्ष में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, दोनों में अंतर बता दो केवल। अशोक का जो स्तंभ था वो एकास्मक था, मतलब क्या, वो एक पत्थर को काटकर बनाया गया था, जबकि ईरानी स्तंभ जो होते थे वो टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते थे, ठीक है। तो एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। दूसरा डिफरेंस की बात करें तो अशोक का स्तंभ बिना चौकी या आधार के भूमि पर टिकाए गए, जबकि ईरानी स्तंभ को चौकी पर टिकाया गया है। ये आपका डिफरेंस है। नंबर टू, अशोक के स्तंभ स्वतंत्र रूप से विकसित हैं, जबकि ईरानी स्तंभ विशाल भवनों में लगाए गए हैं। डिफरेंस नंबर थ्री, अशोक के स्तंभ के ऊपर पशु की आकृति, जबकि ईरानी स्तंभों पर मानवों की है। तो इस प्रकार से आप इसकी समीक्षा भी कर सकते हैं। तो होप आप इसको देखने के बाद अपने आंसर को अच्छे से लिख सकेंगे। जो मेंस का क्वेश्चन जो डिमांड करेगा उस हिसाब से आप अपने क्वेश्चन को मोड़ सकते हैं और उस डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। अगर